नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमारा दो टेस्ट हो चुका है। ये तीसरा टेस्ट चल रहा है ज्योग्राफी का। इस टेस्ट के भी हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। टेस्ट का ये दूसरा सेशन है, 21 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो, और मैं रिकमेंड भी करूँगा, 1.25 या फिर 1.5 पे देखिए, ताकि आपका टाइम सही से उपयोग हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉइल। द यंगर सॉइल शोज सिमिलैरिटी विथ पेरेंट मटेरियल। अब यंगर सॉइल बना है पेरेंट मटेरियल से, तो उसे सिमिलैरिटी तो शो ऑब्वियस करेगा, तो ये सही है। सॉइल इज इन हॉट ट्रॉपिकल रीजन एग्जिबिट शैलोअर प्रोफाइल। हॉट ट्रॉपिकल रीजन है तो यहाँ पे मतलब कि बारिश ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा पेनीट्रेट करेगा। ज़्यादा पेनीट्रेट करेगा इसका मतलब ये हुआ कि शैलोअर ने डीपर प्रोफाइल शो करेगा, मतलब ज़्यादा नीचे तक जो मिट्टी है उपजाऊ होगी और उपयोग करने योग्य होगी। मतलब ये गलत हो जाएगा, शैलोर नहीं डीपर होगा, तो ये गलत है। ह्यूमस एक्यूमुलेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सॉइल इन सब आर्कटिक रीजन। देखो ह्यूमस कैसे बनता है, जैसे कि पेड़ है यहाँ पे, इसके पत्ते गिरेंगे तो यहाँ पे पत्ती इकट्ठा होते जाएंगी। अगर ये ट्रॉपिकल रीजन में होता है तो ये फिर डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सब आर्कटिक रीजन में ठंड होगा तो ये पत्ता इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और ये बाद में पीट बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ह्यूमस एक्यूमुलेशन होगा। तो ये आपका सही है, तो इसका पहला सही है, तीसरा सही है। इसका आंसर होना चाहिए दो, होगा इसका आंसर ओनली टू। मुझे लगा वन एंड थ्री वाला टाइप का ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू। एक सेकेंड, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 21 था ना हमारा, ठीक है, इसका बी आंसर है। ठीक है, देखो पेरेंट मटेरियल क्या क्या होते हैं। बेसिक फीचर ऑफ सॉइल इंक्लूड पेरेंट मटेरियल। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन नेचर, सॉरी टेक्सचर, मतलब कैसे दिखता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज द मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक डेबरी। जिस चीज़ का रॉक बना होगा अगर वो टूटेगा तभी तो सॉइल बनता है वहाँ पे। ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन होता है सॉइल का बनने का, तो उसके पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल लाइन बाई लाइन हम नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे, और हो भी नहीं पाता है टेस्ट, कई सारे सेशन करने पड़ जाते हैं। और क्लाइमेट का क्या होता है, मेजर इन्फ्लुएंस ये भी रखता है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन एज ए मेजर इन्फ्लुएंस, जितना बारिश होगी उस पर मिट्टी पे प्रभाव पड़ेगा इसका। द सॉइल ऑफ द हॉट ट्रॉपिकल रीजन शोज अ डीपर प्रोफाइल, तो ये मैं कह रहा था क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो होगा ही वो। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, द वेजिटेटिव कवर एंड ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम द स्टार्ट टू लेटर स्टेज हेल्प इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो पत्ती गिरने वाली बात बता रहा था मैं, तो ह्यूमस एक्यूमुलेट होता है कोल्ड क्लाइमेट्स में, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कम होता है, क्योंकि ठंडा है तो बैक्टीरियल, वैसे भी हम फ्रिज में सामान इसीलिए तो रखते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कम होता है, तो वहाँ से अगर लॉजिक लगाए तब भी तो यहाँ पे पीट का लेयर बन जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही था, तो वन एंड थ्री इसका आंसर था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ऊपर है ना यार, सॉरी नीचे जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 22 होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर का तो एक ट्रिक है, मतलब जो लेयर्स होते हैं उसका याद करने में बता देता हूँ। ये होता है ना, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, ये आपका ट्रिक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। पहले मैं लिख देता हूँ, टी आर, ये चल नहीं रही, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, अब देखो ये टी आर का मतलब ट्रोपोस्फियर, मी का मतलब मेजोस्फियर, इन का मतलब आयनोस्फियर, द का मतलब थर्मोस्फियर, एग्जाम का मतलब एक्सोस्फियर। तो जो आपका, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये याद रखना, ये इससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। द ट्रोपोस्फियर रीचेज इट्स मैक्सिमम थिकनेस अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड्स। मतलब कि ये हो गया इक्वेटर अगर, तो 30 डिग्री ये है, तो ये कहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा आपका थिकनेस, बट द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। नहीं, मैक्सिमम आपका थिकनेस होता है इक्वेटर पे होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट धूप होती है, और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स में गैप बढ़ेगा तो वहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा। और भी रीज़न होते हैं जैसे कन्वेक्शन सर्कुलेशन वगैरह भी, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल ऑब्वियस रीज़न है।
गर्मी बढ़ेगी तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, इससे इसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ पे लगभग लगभग कभी कभी 18 किलोमीटर तक भी जाता है एटमोसफेयर, जो कि पोल्स पे 8 किलोमीटर तक जाता है, एवरेज 13 किलोमीटर है शायद, तो ये गलत है आपका। द जोन सेपरेटिंग द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर इज द स्ट्रेटोस्पोज। अब क्या था ये, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, तो क्या किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट, अच्छा यहाँ पे एस टी में भूल गया था, तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर भी आता है ट्रस्ट के बाद, TRUST, तो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को जो बंद करे उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज वो नहीं होता है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाता है। आयनोस्फेयर इज लोकेटेड अबव द मेजोपॉज, ठीक है, आयनोस्फीयर यहाँ पे आपको मेजोस्फीयर जहाँ पे खत्म होता है, वहाँ पे जो खत्म होता है उसको मेजोपॉज कहते हैं, तो ये सही है आपका तीसरा वाला, तो इसका आंसर होना चाहिए, पहला तो गलत था हमारा, तो इसका आंसर ओनली 3 होना चाहिए, आंसर इसका डी होगा, देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है ये इसका आंसर डी दे रखा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते, देखो पहला नोट करेक्ट था, मैंने बताया था ना ये ऐसे होता है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है तो ये इक्वेटर पे यहाँ पे सबसे ज्यादा थिकनेस होती है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम, तो ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट मोस्ट लेयर होता है और एटमोसफियर का, देखो 13 किलोमीटर एवरेज इसका हाइट होता है और 8 किलोमीटर पोल्स पे और 18 किलोमीटर इक्वेटर पे होता है, ये याद कर लेना कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है इसलिए होता है, और द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज, क्योंकि जहाँ पे जो खत्म होता है वही उसमें ही पॉज लगा देते हैं, हो जाता है फिर, और मेजोस्फियर वहाँ वहाँ जो कहाँ जहाँ पे खत्म होता है आयनोस्फियर के पहले, ठीक है, और वो हाइट होता है 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक अबव द मेसोपॉज आयनोस्फीयर होता है, यहीं पे इसी के कारण हमारा रेडियो वगैरह जो सिग्नल आते हैं इसी से चलते हैं, यहाँ पे आयन्स होते हैं इसलिए इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, द फेमस सुबिका पेंटिंग स्टाइल इज डीपली कनेक्टेड टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, मीति कम्युनिटी है ये, जो अभी मीति और कुकी जू वाला जो मैटर चला है मणिपुर में वहीं से आया है क्वेश्चन, तो सुबिका पेंटिंग वहां का है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, द सुबिका पेंटिंग स्टाइल इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू मीति कम्युनिटी, ये रहा कल्चरल हिस्ट्री थ्रू इट्स 6 सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट, सुबिका, सुबिका अछोबा, सुबिका लेशाबा, सुबिका चौदित, सुबिका चेथिल, थेंगा थेंगरा खेल सुबिका, अब ये नाम तो छे याद नहीं होंगे, ये याद रखना कि ये मीति कम्युनिटी का है पेंटिंग स्टाइल, सुबिका लेशबा रिप्रेजेंटेड डायरेक्ट ऑथेंटिक कंटिन्यूएशन ऑफ मीति कल्चरल ट्रेडिशन डिपिक्टेड टू विजुअल इमेजेस, ठीक है ये याद रखना, करंट का क्वेश्चन और ये काफी न्यूज में भी था तो आ सकता है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान बैप्स, अच्छा बैप्स के बारे में, ये हिंदू मंदिर, इट इज द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी, बिल्कुल ठीक है ये, अभी पिछले साल नहीं, इसी साल खुला गया था इलेक्शन से पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी गए भी थे उसके उद्घाटन में शायद, गए थे हाँ शायद गए थे, बुलाया तो था इनको, द टेम्पल बिल्ट इन नगर स्टाइल आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू स्वामीनारायण सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, बिल्कुल ठीक है ये भी, नगर स्टाइल में बनाई है, इस पर फर्स्ट पोस्ट का रिपोर्ट भी था, आप चाहें तो देख सकते हैं, द सेवन शिखर इज द इन द टेम्पल रिप्रेजेंट सेवन एमिरेट्स ऑफ यूएई, यूएई में देखो सेवन एमिरेट्स है, जैसे केवल एक यूएई है, दुबई है और एमिरेट करके, मतलब ऐसे सात हैं, तो ये सातों शिखर दिखाता है कि एक एक को रिप्रेजेंट करता है यूएई के, तो इसका तीनों हो जाएगा ऑल थ्री, ये मार्च में या अप्रैल में हुआ था शायद ये इसका उद्घाटन, अगले प्रश्न में चल, नहीं एक्सप्लेनेशन देख लेते इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो देखो ये गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने, और पहला हिंदू टेम्पल है अबू धाबी का, नगर स्टाइल में बना है, स्वामीनारायण संप्रदाय से संबंधित है, इसकी स्थापना 1907 में शास्त्री जी महाराज ने की थी, ठीक है, सातों शिखर रिप्रेजेंट करते हैं सेवन एमिरेट्स ऑफ यूएई। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक सेकेंड यार ये क्या हो रहा है, हाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम चेंजेस विद द चेंज इन द लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम चेंजेस विद द चेंज इन लॉन्गिट्यूड, हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में तो एक ही टाइम जोन होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जब चेंज होता है तो टाइम बदलता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लें, देखो जैसे ये हमारा IST है तो इसका होता है 5.5 घंटा, GMT +5:30 प्लस होता है ये,
और श्रीलंका में भी यही होता है, लेकिन बांग्लादेश का देखें तो 15 मिनट बढ़ा देते हैं, वो 5 घंटा 45 मिनट करते हैं, लेटिट्यूड चेंज हो रहा है ना क्योंकि। और यही पाकिस्तान का देखें तो वो कराची से वो अपना टाइम नापते हैं, तो उनका होता है 5, मतलब GMT+5, तो लेटिट्यूड बदलता है तो टाइम बदलता है, ठीक है, लोकल टाइम चेंजेस। और लोकल टाइम भी अगर देश जैसे कि रशिया में 12 टाइम जोन है, तो एक ही देश के अंदर भी टाइम बदलता है, तो ये ठीक है। भारत में भी नॉर्थ ईस्ट में लोग बोलते हैं कि हमारा टाइम अलग कर दो, क्योंकि अंडमान में 5:30 बजे धूप हो जाती है और इधर गुजरात में 7 बजे होती है, तो 1.5-2 घंटे का फर्क पड़ता है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक किया नहीं है, वो अब वो सरकार की मर्जी है। एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ कंट्री बोथ लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम आर द सेम। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्योंकि वही रेफरेंस पॉइंट है, तो वहां पे तो सेम होगा ही बिल्कुल। GMT मान लेते हैं हम जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम है, तो ये ठीक है, दोनों ठीक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जीसी लियोंग के पहले चैप्टर में ही है, आपको मिल जाएगा इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन। लोकल टाइम होता है जो वहां का टाइम होता है, जैसे कि 12 बज रहा है जैसे मान लो वहां पे, तो हम रेफरेंस कोई पॉइंट ले लेंगे ना, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा तभी तुम टाइम डिसाइड कर पाएंगे। जैसे कि पहले भारत में एंशिएंट इंडिया में टाइम उज्जैन से डिसाइड होता था, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है वहां से। स्टैंडर्ड टाइम ये सिंक्रोनाइज होता है क्लॉक सभी दुनिया भर में, तो अभी देखते हैं इसमें मेन चीज़ क्या है हमारा। देखो ग्रीनविच मीन टाइम का यहाँ पे जिक्र आया है क्योंकि वहाँ का जो लोकल टाइम है वो वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम भी है, और ये नापते कहाँ से हैं, रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच, इसको सेंटर ऑफ अर्थ मान लिया उस टाइम क्योंकि ब्रिटिश का ही राज था, तो जो कहें वो सही है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। बांग्लादेश इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। बिल्कुल ठीक है, अब तो शायद अभी तो मुश्किलें चल रही है काफ़ी, वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जब से हटी हैं उसके बाद, लेकिन अभी वर्तमान में भी भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश साउथ एशिया में, शायद $18 बिलियन के आसपास का है ट्रेड, देख लेना एक बार, मतलब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सिंस 2022 इंडिया एंड बांग्लादेश हैव हैड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है वो, इससे नीचे वाला होता है ना, केम्पा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, वो है इनके साथ में, सेपा है इनके साथ में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और एक होता है आपका FTA होता है, फिर होता है सेपा होता है, और एक होता है, ऐसे पांच होते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स टेस्ट करेंगे तो डिटेल में बता दूंगा मैं, लेकिन इनके साथ फ्री ट्रेड नहीं है, इनके साथ सेपा है। ठीक है, ये इससे छोटा होता है, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, फ्री ट्रेड तो बिल्कुल ही हो जाएगा फ्री। रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश ओपन ट्रेड थ्रू माया एंड सुल्तानगंज बांग्लादेश रिवर पोर्ट्स ऑन रिवर गंगा। और ये जो गंगा विलास क्रूज था वो भी बांग्लादेश होके गया था, अभी तो मुश्किल है आज के टाइम पे क्योंकि काफी मुश्किलें चल रही हैं, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा सब, लेकिन फिलहाल में तो दिक्कतें हैं। तो दूसरा सही है और ये वाला भी सही है। एक तो पुल भी बनाया था त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, मैत्री पुल था शायद उसका नाम, फेनी रिवर पे बना था वो, तो पहला और तीसरा इसका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा only 2। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 26 का बी है। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप वॉज लेड इन 1971। ये तो सबको पता है कहानी, मेन चीज हमें देखना है। देखो कोविड के टाइम पे 14% ग्रोथ रेट था भारत और बांग्लादेश बायलेटरल ट्रेड का, इसमें डेटा नहीं दिया है, आई थिंक सो 18% है फिलहाल में, सॉरी $18 बिलियन, देख लेना इसको। ठीक है, इंडियन बांग्लादेश हैव डिस्कस्ड प्रिपरेशन ऑफ FTA, नहीं है अभी फिलहाल में, इसको बढ़ाने का कोशिश चल रहा है लेकिन है नहीं अभी फिलहाल में, अभी इनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, और ये भी अभी है फिलहाल तो ठीक ही है, जो कि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले मना कर दिया था ना कि हम हिल्सा फिश नहीं देंगे, जो कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी कंज्यूम होता है दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो इन्होंने मना कर दिया था, अभी उसके बाद तो इन्होंने भेजा है। अभी आज के तारीख में इनके साथ वो हुआ है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है इंडिया नेपाल बांग्लादेश में, भारत के थ्रू नेपाल इनको इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा, तो वो एग्रीमेंट हो गया आज, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बॉटल स्केल इज यूज टू मेजर, देखो ये लाइट पोल्यूशन नापने के लिए यूज में आता है, तो डेप्थ ऑफ सी तो नहीं है, ये भी न्यूज में था, लेवल ऑफ लाइट पोल्यूशन इन सर्टेन एरिया, ये होना चाहिए इसका आंसर। एस्टिमेट ऑफ इफेक्टेड, ये बिल्कुल गलत है, ग्रीन हाउस एमिशन ये तो है ही नहीं, इसका आंसर बी होगा, करंट का क्वेश्चन है, फेब्रवरी मार्च के आसपास ये करंट में था, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 27th B, क्वेश्चन नंबर 27th B, हाँ ठीक है, COP14 हुआ था आपका UAE में हुआ था, अच्छा उज़्बेकिस्तान में हुआ था, अच्छा वो दूसरा था कॉप जो UAE में हुआ था, ये CMS का है वो क्लाइमेट वाला था, तो इस पे प्रिपेयर किया इन्होंने इंटरनेशनल लाइट पोल्यूशन गाइडलाइंस माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए,
सीएमएस सबसे बड़ा एग्रीमेंट है माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए अब तक का। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इसमें क्या, ईयू एंड ऑस्ट्रेलिया इन्होंने 2020 में कोई एग्रीमेंट दिया था, सबसे पहली बार ड्राफ्ट था ये रेजोल्यूशन, अभी पास करा लिया लगता है। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं कि किसको क्या करना है। अब इसमें मेन चीज़ हम देखते हैं, बेस बॉट स्केल इज ए 9 लेवल न्यूमेरिक स्केल दैट मेजर द नाइट स्काई ब्राइटनेस। जैसे कि जैसे आपने देखा हो, जैसे मान लो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है, तो उसके आसपास या फिर कोई मॉल वगैरह है, स्टेडियम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होता है, रात में भी दिखता रहता है दूर से ही, तो वहाँ पे ये स्केल ज़्यादा दिखाएगा, जहाँ पे थोड़ा कम रहेगा तो वहाँ पे 1 दिखाएगा, बस यही है। तो लाइट की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, जो विशेषकर जो इंसेक्ट हैं, जो रात्रि में जानवर चलने वलने वाले, उनका पूरा सिस्टम ही बदल जाता है, मतलब पूरा पैटर्न बदल जाता है उनके लाइफ स्टाइल का, तो ये उनके लिए तो परेशानी का बात है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर मांडोवी। मांडोवी गोवा में बहता है, पंबा, पंबा उड़ीसा में है शायद, नहीं वो पवना रिवेलियन, वो दूसरी चीज़ है, तो पंबा देखते हैं। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी भी उड़ीसा में ही है शायद, ब्राह्मणी रिवर उड़ीसा में है। अच्छा पढ़ते हैं क्वेश्चन पूछा क्या इसने। सुबानसिरी तो पक्का उड़ीसा में, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सुबानसिरी उड़ीसा में नहीं है, उधर नॉर्थ ईस्ट में है ये लोहित, उसका ब्रह्मपुत्र का ये ट्रिब्यूटरी है ना ये। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। देखो ये तो बिल्कुल नहीं है सुभाषरी, वेस्टर्न घाट में इसका क्या ही लेना देना है, ब्राह्मणी भी नहीं है उड़ीसा में ये तो, अब मांडोवी गोवा में है तो वेस्टर्न घाट में होगा। पंबा ये देखना है, देखो ये पहला ऑप्शन केवल इसके साथ, तीसरा में पता है कि नहीं है तो ये एलिमिनेट कर दिया हमने, पहला में श्योर 100% पता है कि है ये वेस्टर्न घाट का, तो ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। 2 का मेरा श्योर नहीं था, लेकिन एलिमिनेट करके हमने आंसर लिया इसको, तो ये हमारा ये दूसरा इसका आंसर होगा 1। पंबा पता नहीं कहाँ से आता है, देखना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों तो नॉर्थ ईस्ट का है और ईस्ट का है, उड़ीसा और आसाम का, तो देखते हैं। लोहित भी उसका ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका आंसर ए होना चाहिए, है मतलब पक्का है क्योंकि एलिमिनेट हो गया था वो, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 28 का ए बिल्कुल ठीक है, मांडोवी रिवर। अच्छा इधर कर्नाटक का लिखा है, गोवा में भी जाती है यार, हाँ देखो ये रहा, कैचमेंट एरियाज इन गोवा कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, तो दूध सागर फॉल इसी पे है, वारापोहा फॉल्स भी इसी पे है, ठीक है, इसको गोमती रिवर भी कहते हैं कर्नाटका में, वहाँ पे लोकल में कहते होंगे गोमती रिवर, उत्तर प्रदेश में बहती है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहाँ पे भी गोमती नदी है। पंबा ओरिजिनेट एट पुलाचिमालाई हिल, ये पिरुमडु आपका वेस्टर्न घाट में है। द पंबा रिवर ऑल्सो कॉल्ड पंबा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ, अच्छा केरला की सबसे बड़ी नदी है, देखो ये पता था, याद नहीं आता मुझे, आफ्टर पेरियार एंड भारतपुजा, ये तीसरी नदी है, मतलब दो ये नदियों के बाद, पेरियार और भारतपुजा तो पता था। सबरीमला टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर पंबा, इस पर तो काफ़ी विवाद भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था ये काफ़ी, मतलब कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था। ब्राह्मणी इज फॉर्म्ड बाई द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर साउथ कोयल एंड शंख नियर मेजर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ राउरकेला, इधर झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है, तो मतलब इसका भी वेस्टर्न घाट से नहीं है कोई लेना देना नहीं है। सुबानसिरी आपका उधर का है नॉर्थ ईस्ट का, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, अरुणाचल और आसाम में, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है, आंसर हमारा आ गया था पहले ही, फिर भी हमने देख लिया। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग हीट फ्रॉम द अर्थ टू एटमोसफेयर। देखो अर्थ एटमोसफेयर में ऐसे हीट आता है, सन हो गया हमारा, ठीक, तो ये जो आता है हीट यहाँ पे बढ़ जाता है, कोई रिफ्लेक्ट होता है, कोई डिफ्लेक्ट होता है, कोई ट्रांसमिट होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा करता है, जो वापस से ये रिफ्लेक्ट होते जाता है ना, ये ट्रैप हो जाता है इसमें, तो जो आता है वो तो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होता है, लेकिन जो वापस जाता है वो लॉन्ग वेवलेंथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, तो इसका आंसर होगा सी, ये याद रखना, कई बार पूछ चुका है ये अलग अलग एग्जाम्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है, जो वापस जाता है टकरा के वो लॉन्ग वेवलेंथ होता है, और गर्मी ये ट्रैप होने के कारण इसी से गर्मी पड़ती है, तो ठीक है इसका लॉन्ग वेवलेंथ वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, अलग अलग परसेंटेज में होता है, लेकिन गर्मी पड़ती है लॉन्ग वाले से। इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इज इन शॉर्ट वेव्स, देखो लिखा है यहाँ पे, जो अर्थ को हीट करते हैं, लेकिन अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम ए रेडिएटिंग बॉडी, मतलब ये धूप हुआ इसके बाद तो ये खुद अर्थ ही गर्म हो गया इतना, तो खुद ये रेडिएट करेगा वापस, अब इसके बाद ये ट्रैप हो जाएगा यहाँ पे। रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमोसफेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म, द एनर्जी हीट्स अप द एटमोसफेयर फ्रॉम बिलो, द प्रोसेस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन,
द लॉन्गर वेव रेडिएशन इज ऑब्जॉर्ब बाई द एटमोस्फेरिक गैसेस पर्टिकुलरली बाई कार्बन डाइऑक्साइड, यही ग्लोबल वार्मिंग में भी रीजन करता है ये, एंड देन द अदर ग्रीन हाउस गैसेज, दस द एटमोस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाई अर्थ रेडिएशन, मतलब जो पहले आ रहा था वो उससे नहीं वापस जा रहा है, उससे हीट हो रहा है ज़्यादा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। शाहपुर कंडी बैराज इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। शाहपुर कंडी भाई ये कहाँ पे है, गेस कर सकते हैं? श्योर नहीं मुझे, ये क्वेश्चन को गोला बना देते हैं क्योंकि हमसे ये नहीं हुआ है। तो कौन सा होना चाहिए, चेनाब, झेलम, सतलज, ये सभी तो इंडस के ही ट्रिब्यूटरीज हैं। देखते हैं आंसर, श्योर नहीं है तो फिर इस पे चांस नहीं लेते हैं, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ए, शाहपुर कंडी बैराज इज लोकेटेड ऑन, ये क्या था, रावी रिवर पे है ये, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन, क्यों न्यूज़ में था ये, कॉन्टेक्स्ट इसका है, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर रावी टू पाकिस्तान हैज बीन कम्प्लीटली हॉल्टेड विद द कम्प्लीशन ऑफ शाहपुर कंडी बैराज। अच्छा हाँ, ये न्यूज़ में था सच में, ये उसको रोक दिया था, पहले पानी पूरा बह जाता था पाकिस्तान में। वैसे भी इंडस वाटर ट्रीटी को भी ये रिव्यू करने वाले हैं, कर ही दे तो अच्छा है। तो इसका फाउंडेशन रखा था पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1995 में। इसका लोकेशन कश्मीर में है, रावी रिवर के किनारे ये सिचुएटेड है, रावी रिवर के किनारे नहीं उस पर ही डैम है ना ये बैराज है। पर्पज़ इसका क्या है, खेती बाड़ी में जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले रीजन में काम में आएगा ये, ठीक है। अब तक पानी ये वेस्ट हो रहा था, अब यूज़ में आएगा भारत के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू, किधर गया, हाँ तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द, यार बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ये आपका तमिलनाडु कोस्ट हो गया, बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर से ऐसे जा रही है, तो ये पैरेलल, एक सेकंड, तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड टू द पैरेलल ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अच्छा हाँ, साउथ वेस्ट मानसून इधर से जा रहा है ना, ऐसे जाएगा ना साउथ वेस्ट मानसून, तो इसके तो पैरेलल है ये, ठीक है ये। द तमिलनाडु देखो ऐसे जाता है बारिश, साउथ वेस्ट मानसून जो जुलाई के महीने में जाता है ऐसे जाता है कुछ, उसका डायरेक्शन ही होता है, ठीक है। 1 जून को शुरू होता है केरला में, ऐसे जाता है वो। द तमिलनाडु कोस्ट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, तो रेन शेडो एरिया में होता तो है, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं कैसे। देखो ये अरेबियन सी ब्रांच है, इधर से जा रही है बारिश, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो जो बारिश होगा इधर इधर हो जाएगा सब, इधर जब बारिश जाएगा तो मॉइस्चर लेडन विंड्स खत्म हो जाएंगे, जो बारिश सूखा हो मतलब इधर बारिश नहीं होगी, तो जो तमिलनाडु है इसके तो रेन शेडो एरिया में ही है, तो ये भी सही है। ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल, ये रीजन तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ तमिलनाडु कोस्ट बीइंग रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ये दोनों तो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म तो उस टाइम पे होता नहीं है और उससे ये ड्राई नहीं रहता, उससे तो थोड़ा बहुत बारिश आ ही जाएगा, क्योंकि वो ईस्ट कोस्ट वाले पे है ना ये, तो ये इसका रीजन नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए 1 एंड 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 31st का ये ठीक है, मानसून आर पीरियोडिक सीजनल विंड्स, ठीक है ये तो पता है, हमें चैप्टर पढ़ाया था, हमने बुक से पढ़ लिया एनसीईआरटी से। इसके देखो दो ब्रांचेस होते हैं, मानसून यहाँ से निकलता है जब, तो दो ब्रांचेस होते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच। अब ये बारिश ले आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसे यहाँ से ऐसे घूमता है ना जब, तो यहाँ पे आपका पड़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, इधर आता है मेघालय, तो यहाँ से बढ़ जाता है ये, तो इधर में बारिश ले आता है ये, तो वही लिखा है ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और ये इधर से जब निकलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, तो ये यहाँ पे राजस्थान में आके यहाँ से मुड़ता है, तो तमिलनाडु कोस्ट में ये पैरेलल बहता है, यहाँ बारिश नहीं होती है। अरेबियन सी ब्रांच द इट ब्रिंग्स रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट, कोंकण कोस्ट, नर्मदा वैली, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ठीक है। नर्मदा वैली देखो ये जो सतपुड़ा और अरावली रेंजेस, इसमें से बीच से निकलता है। तमिलनाडु लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द, ठंड के टाइम में बारिश होती है तमिलनाडु में जब रिट्रीटिंग मानसून होता है उस टाइम पे, साउथ वेस्ट मानसून, सो द अरेबियन सी ब्रांच ऑल्सो डज नॉट कॉज एनी रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, हैंस स्टेटमेंट दोनों सही है, यहाँ पे दिया नहीं है। लेकिन नॉर्थ जब ये रिट्रीटिंग मानसून होते हैं दिसंबर नवंबर के महीने में, तब जाके तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश होती है, ये याद रखना, बाकी भारत में नहीं होता है, केवल वहीं पे होता है उस टाइम पे। साइक्लोनिक स्टॉर्म,
साइक्लोनिक स्टॉर्म एज स्पोरैडिक एटमॉस्फेरिक इवेंट्स दे डू नॉट कॉज सच ए परमानेंट नेचर ऑफ ड्राइनेस ऑन तमिलनाडु कोस्ट, उस टाइम पे होता भी नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। कंसीडर किधर गया, विद रेफरेंस टू द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिमालयन रिवर आर पेरिनियल वाइल पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल इन नेचर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सीजनल होती है, यहाँ पे तो हमेशा 12 महीने पानी बहता रहता है। पेरिनियल मतलब 12 महीने और सीजनल मतलब जब बारिश होगी उस टाइम पे। पेनिनसुलर रिवर्स जनरली फ्लो स्ट्रेट कोर्स वेयर एज इन द हिमालयन रिवर मेंडरिंग बाय रिवर्स इज वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि ये हाइट से आता है, बर्फ पिघलता है तो ये बहुत ज़्यादा गॉर्जेस वगैरह बनाता है, फिर कैनन बनाता है, फिर ऐसे यू शेप ऐसे बहता 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 है। तो ये भी ठीक है, हिमालयन रिवर काफ़ी मेंडरिंग होता है, बिहार और बंगाल में तो बहुत ज़्यादा है, लास्ट में जाके जितना ये डेल्टा बनाएगा उधर। और जो ये साउथ वाली रिवर्स है ये मेंडरिंग नहीं करती है, एक लीनियर फ्लो में बहती हैं। तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा 1 एंड 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 32nd का सी। ठीक है, 32nd का सी, कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। देखो ये ओरिजिनेट करते हैं लॉफ्टी हिमालयन रेंजेस से, पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू से। हिमालयन रिवर्स हैव लार्ज बेसिन एंड कैचमेंट एरिया, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि एग्जांपल गंगा रिवर। पेनिनसुलर रिवर हैव स्मॉल बेसिन कैचमेंट एंड स्मॉल कैचमेंट एरिया, जैसे कि हमने कल क्वेश्चन में भी किया था एक, जिसमें कावेरी का सबसे कम था, गंगा का सबसे ज्यादा था। हिमालयन रिवर फ्लो वाया डीप वी शेप गॉर्जेस, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, स्लोप अचानक से घटता है, तो ये गॉर्जेस बनाते हैं, फिर वैली बनेगा ऐसे, फिर और थोड़ा चौड़ा होगा फिर, ठीक है, ऐसे होता है सब, बहुत सारे फीचर हैं इसके। डीप इरोजनल लैंडफॉर्म्स जब पढ़ेंगे ना उस चैप्टर में तो मिलेगा आपको, जीसी लियोंग में भी आइए। द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल इन नेचर, वाटर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर इन दीज रिवर्स, दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम बोथ मानसून एंड स्नो मेल्ट, तो इनके साल भर पानी बहता रहता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं, यहाँ पे बारिश होता है उस टाइम पे ज़्यादा पानी आता है, फिर घट जाता है, कभी कभी सूख भी जाते हैं ये। वेन हिमालयन रिवर्स एंटर द प्लेन देयर इज अ सडन रिडक्शन इन स्पीड, तो फिर शिफ्टिंग और मेंडरिंग शुरू हो जाती है। मेंडरिंग कभी इधर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके, वेस्ट वाले इलाके में नहीं होगी, इधर लोअर प्लेन्स में ही होती है, स्पेशली बंगाल उड़ीसा और बिहार में, फिर ऑक्सबो लेक वगैरह भी बनता है तभी, ठीक है। और ये स्टेट लेस मतलब बहुत कम घूमती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाली नदी। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर किधर से पास करता है। ये आपका हो गया भारत, ठीक है, तो गुजरात से ऐसे निकलता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो गुजरात हो गया सही है, छत्तीसगढ़ पड़ेगा ही, ठीक है, त्रिपुरा में भी पड़ता है क्योंकि त्रिपुरा के शहर जो अगरतला शायद वहाँ पर आता है, तो त्रिपुरा भी है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर तो इधर आ जाएगा कहीं पे, तो मणिपुर में नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 आंसर है, हाँ ठीक है, इसका आंसर सी होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, ये तो मैप आता है तो हो जाएगा वैसे ही, ये सब नहीं पढ़ते हम, एक्सप्लेनेशन देखते मैप से देखेंगे सीधे। ये रहा देखो, गुजरात सबसे पहले, फिर आएगा राजस्थान से थोड़ा सा इधर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा लास्ट में इधर कोने में थोड़ा सा है, और फिर इधर वाला लास्ट है आपका मिजोरम में, मणिपुर नहीं है, मणिपुर इधर है, तो एम फॉर मिजोरम, कोई शॉर्टकट एक्रोनिम ही बना सकते इसके लिए। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते, कुछ एक्स्ट्रा दिया हो तो, एक सेकेंड, हाँ ये एक्स्ट्रा दिया, माही रिवर इज द ओनली रिवर, देखो माही रिवर होती है 2 बार क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, एक बार तो राजस्थान में और एक बार गुजरात में, इधर राजस्थान में एक बार करती है, गुजरात में, और जो वो है ना इसको क्या कहते हैं, एक कॉन्गो रिवर होती है ना जो इक्वेटर को 2 बार पास करती है, कॉन्गो, और जो नाइल रिवर है, नाइल वो पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार, ठीक है, ये याद रखना। एमएनसी कहते हैं इसको, एमएनसी ऑफ जियोग्राफी, ऐसे करके याद कर लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं, कंसीडर द फॉर, एक सेकंड ऊपर वाला ही रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाई 10 डिग्री चैनल, ये पूछ भी चुका है प्रीवियस ईयर में, बिल्कुल सही है, और वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को आपस में 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, 9 डिग्री सेपरेट करता है लक्षद्वीप और मालदीव को, ये बिल्कुल
रखने वाली बात है। दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स, बिल्कुल बढ़िया सही है बिल्कुल। ये भी जो ये म्यांमार में आराकान रोमाई रेंजेस है ना, जो म्यांमार में जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है ऐसे ऐसे, तो ये जो म्यांमार में माउंटेन्स है उसी का एक्सटेंशन है, जो थोड़ा बहुत डूब गया है बाहर निकला है वो उसी का एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पे एक है कोको आइलैंड म्यांमार का है जो पार्ट आज, और बाकी ये जो 523 आइलैंड है आइलैंड है भारत का है। तो ये एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स है सही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ये भारत है आपका तो यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ठीक है, तो ये तीनों ही सही हो जाएगा इसका। तो इसका तीनों हम सही कर देते हैं ऑल थ्री। अगले प्रश्न में चलते हैं, नई एक्सप्लेनेशन देख लेते पहले। ये क्या पूछा है यार, कोई क्वेश्चन छूट गया लगता हमारा। ये कोई क्वेश्चन का है वो वाला, अंडमान वाले पे आ गए हम सीधे। ये रहा टू मेजर आइलैंड ग्रुप होते हैं देखो भारत में, और एक अंडमान निकोबार है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है ये, इसको सेपरेट करते हैं 10 डिग्री चैनल, और ये एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन है, सबमरीन माउंटेन है ठीक है। और इससे रिलेटेड इसका अभी कैपिटल का नाम बदल गया है, पोर्ट ब्लेयर का इसका नाम हो गया है श्री विजयपुरम, ये याद रखना ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे तीन मेन ट्राइब्स से, तीन चार सेंटिनलीज, जरावा ये है ना, ग्रेट एंडमनीज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ओंगे भी है, ये भारत के जो पीवीटीजीज आते हैं उसमें हैं ये लोग। और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो यहाँ पे भारतंग नाम का जगह है, वहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, इधर है मिडिल अंडमान में शायद यहाँ पे आसपास यहाँ पे। और आपका एकमात्र वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो यहीं पे है बैरन आइलैंड करके, यहाँ पे है कहीं, बस ये इंपॉर्टेंट इसके लिए। और ये आपका 10 डिग्री चैनल है, और ये लक्षद्वीप और मिनिका आइलैंड है यहाँ पे 9 डिग्री चैनल होता है, और लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में यहाँ पे 8 डिग्री चैनल होता है ठीक है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, नहीं एक क्वेश्चन को छूट गया हमारा, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 35 छूटा है। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं, 35 ही तो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 छूटा है इसका मतलब। हाँ ये छूटा है देखो। कंसिडर द फॉलोइंग, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, सुंदरबन, इंडो बर्मा, सुंदालैंड, तराई, दुआर, हाउ मेनी अबव आर रिकॉग्नाइज्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। वेस्टर्न घाट तो है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका को एक साथ क्लब कर देते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज तो नहीं है शायद, सुंदरबन तो बिल्कुल नहीं है, सुंदरबन डेल्टा है लेकिन ये वो नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं। इंडो बर्मा है ठीक है, ये सुंदरलैंड भी नहीं है, तेराई द्वार ये शायद है, तो ईस्टर्न हिमालय आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आ जाएगा, तो ये भी है, तो एक दो इंडो बर्मा ये तो लगभग एक साथ में आ जाएगा, इंडो बर्मा ये हो गया, तीन चार, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, ओनली फोर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35 इसके ऊपर वाला था ना। अच्छा मैंने वो 532 आइलैंड बोला था, 527, ये देखो 572 आइलैंड है, वहाँ पे गलती हुई थी तो उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर यार वो क्वेश्चन ही आंसर ही नहीं उसका, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर नहीं दे रखा। अच्छा इधर है सॉरी, ये रहा आईयूसीएन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दुनिया भर में 8 हैं उसमें से भारत भी एक है, और 8 देश हैं जो हॉटस्पॉट हैं, तो दुनिया की 4% वेजिटेशन भारत में मिलती है, 4% या 8% ऐसे कुछ श्योर नहीं है, अभी देख लेना, वो भी देख लेंगे ग्रुप में भेज दूंगा मैं। तो देखो केरला कर्नाटक का ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन तो है ही, ईस्टर्न हिमालयाज नॉर्थ ईस्ट वाला वो भी है, इंडो बर्मा वही वाला रीजन एक्सटेंड होके जाता है उधर म्यांमार में, सुंदरलैंड नहीं है ठीक है, तो ये एक सेकेंड सुंदरलैंड भी है क्या, अंडमान एंड निकोबार आर पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, अच्छा ये भी है, देखो मैंने कुछ गलत बताया, तराई द्वार, अच्छा वो वाला नहीं है, तराई वाला रीजन वो नहीं है ठीक है ठीक है। सुंदरलैंड आपका अंडमान वाला है, वहाँ पे एक महात्मा गांधी करके, महात्मा गांधी मरीन सेंचुरी भी है, ये वाला है सही है, ये तो एक गलती हुई हमारी, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, तो ये सुंदरबन तो नहीं था ये तो पक्का था, इस दोनों में डाउट था सुंदरलैंड और इसमें, सुंदरलैंड में नाम से अंडमान याद नहीं आया वरना सही हो जाता ये भी, तो ठीक है कोई बात नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 36 हो चुका है हमारा।
35 हो चुका है, 36 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पानी के अंदर होता है, ठीक है, जो इधर से उधर वार्म वाटर करंट कोल्ड वाटर करंट घूमते हैं उसी को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। ये वेदर क्लाइमेट में डिटर्मिनेशन में बहुत अपना रोल प्ले करता है। देखते हैं क्या दिया है। सरफेस ओशन ड्रास्टिकली चेंजेस इट्स सेलिनिटी एंड डेंसिटी इन द प्रोसेस ऑफ अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। नहीं, ड्रास्टिकली तो नहीं चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। इसमें बहुत साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं ये होने में, पूरा सर्कुलेशन पूरा होने में, तो ये गलत है। द प्रोसेस ऑफ थर्मोलाइन सर्कुलेशन इंश्योर फास्ट एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन पोल्स एंड ट्रॉपिक्स। ये भी गलत है, वही चीज़ लिखा है, फास्ट एक्सचेंज है, बहुत स्लो एक्सचेंज होता है। तीसरा लिखा है क्या, द सरफेस वाटर ओशन वाटर मूवमेंट लीड्स टू मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ वाटर बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर। मैक्सिमम वाटर ट्रांसफर बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर, नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस नहीं ट्रांसफर होता, नीचे से होता है धीरे धीरे, तो जो हवा से होगा भी तो केवल ऊपर ऊपर ही होगा, तो ये भी नहीं होता, ये भी गलत है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ना, डी हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हम, एक्सप्लेनेशन किधर गया, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, हाँ ये रहा। द कोल्ड डेंस वाटर सिंक्स, ये तो ठीक है, क्योंकि हैवी हो तो सिंक करेगा, लाइटर होगा तो ऊपर आएगा। वंस इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस इट्स टेम्परेचर एंड सैलिनिटी रिमेन्स अनचेंज। देखो, अगर वो टेम्परेचर ऊपर से नीचे चला गया, ठीक है, तो उसकी सैलिनिटी डेंसिटी टेम्परेचर सब कुछ सेम रहेगा, तो मतलब ऊपर वाला पानी ही जो कार्यक्रम कर रहा है कर रहा है, नीचे वाला अपना निश्चय मस्त नीचे चला गया, ठीक। तो ये पहला तो वैसे ही गलत हो गया। द प्रोसेस ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन रिजल्ट्स इन स्लोअर वाटर मूवमेंट, बहुत टाइम लग जाता है इसमें होने में, तो ये भी गलत है। वहाँ पे फास्ट लिखा था, हंड्रेड्स ऑफ ईयर तो यहाँ पे लिखा भी है। द ओशन करेंट्स आर ड्रिवन बाई विंड सिंस द ओनली इट ओनली इन्वॉल्व सरफेस वाटर दे ओनली इफेक्ट अबाउट 10%। ये मैंने कहा था ना उसमें पीछे ही, कि केवल ऊपर ऊपर ही होगा, नीचे वाला तो वैसे वैसे ही रहेगा, तो बहुत हल्का 10% पानी का वॉल्यूम इधर से उधर ट्रांसफर होता है, 90% मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द विंड होता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं, ये वाला सही हो गया था, ये उसी निक करेंट्स वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, कोल्ड करेंट वार्म करेंट में। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मूसी रिवर। मूसी रिवर बहती है हैदराबाद से, ठीक है, ये याद रखना। इट इज ट्रिब्यूटरी टू कृष्णा रिवर, बिल्कुल ठीक है। विशाखापट्टनम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। विशाखापट्टनम तो कोस्टल सिटी है, तो कोस्टल सिटी है तो यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे मान लो कि यह है भारत, यहाँ पे है कहीं विशाखापट्टनम, यहाँ पे है कहीं हैदराबाद, तो नदी ऐसी कुछ जाती है विशाखापट्टनम में, शायद नहीं है ये नदी, तो इसका आंसर होना चाहिए मुझे लगता है ए ओनली, ए तो पक्का है, या तो ए होगा या तो सी होगा, तो ए ही मुझे ज्यादा चांस लग रहा है। विशाखापट्टनम पे समुद्र है, नदी ये नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, किस लिए न्यूज में था, क्योंकि इसको 58,000 करोड़ रुपए रीडेवलपमेंट के लिए दिया गया। ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी निकलता कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलता है महाराष्ट्र के, तो ये भी याद रखना। और तापी नदी कहाँ से निकलती है, इसके ऊपर से, मतलब बैतूल में, महाराष्ट्र से, सॉरी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है तापी, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो, ठीक है। हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर दिस रिवर, ये तो बताया मैंने। मुचुकुंदा रिवर ओरिजिनेट्स इन द, इसको इसका पहले पुराना नाम ये था, अभी मुसी रिवर से नाम से बुलाते हैं। और हिमायत सागर उस्मान सागर डैम्स आर बिल्ट ऑन दिस रिवर। विशाखापट्टनम का कहीं कोई नाम नहीं लिखा है, इस नदी के किनारे नहीं है, विशाखापट्टनम कोस्टल सिटी है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, और दो तीन क्वेश्चन करके बंद करते हैं हम इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना PMKSSY। इट्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में देखो स्टेट भी पैसा देता है, तो इसमें स्टेट पैसा कोई नहीं दे रहा है, सब केंद्र ही दे रहा है, तो सेंट्रली सेक्टर्ड हो जाएगा, ये गलत है, तो ये गलत। इट एम्स टू फॉर्मलाइज फिशरीज सेक्टर। फिशरीज सेक्टर में ये पैसे, मतलब जो छोटे मोटे व्यापारी, मतलब जिनको थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए उसके लिए ले आते हैं, तो फॉर्मलाइज सेक्टर करने के लिए तो इसका मेन एम तो नहीं था ये, तो ये भी गलत है। द स्कीम टारगेट्स फिशरीज, फिश फार्मर्स, फिश वेंडर्स, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अदर एंटिटीज एंगेज इन फिशरीज वैल्यूज। ये भी सही है, तो मतलब ये वाला सही है। विच ऑफ द हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन से नहीं सही है। अच्छा,
यार ये तो पक्का नहीं सही है, लेकिन अगर हम देखें तो द स्कीम टारगेट्स फिश फार्मर्स, सबको ये कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प को वैल्यू चेन्स में बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे तो फॉर्मलाइज ही हो रहा है ना सेक्टर, तो इस हिसाब से तो दूसरा भी सही हो जाएगा अगर तीसरा, तीसरा तो सही है ये मैंने बोला अभी तो पहले, लेकिन इसका मेन टारगेट यही था कि सबको स्ट्रीमलाइन करना, तो फॉर्मलाइज करने का भी एक ये माध्यम हो गया, तो ठीक है दूसरा तीसरा इसका सही, पहला तो 100% श्योर गलत है क्योंकि ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट ओनली पूछा है तो एक ही गलत है, आपका आंसर होगा ए, पहला वाला ही गलत है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहीं पे बंद कर देंगे, बाकी अगले सेशन में शुरू करेंगे हम नया क्वेश्चन ये वाला करके बंद करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि संपदा योजना आपका है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें पूरा पैसा सेंटर देता है, और उस वाले में जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसमें 90:1:10 होता है माउंटेनियस रीजन के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, और बाकी लोग के लिए 60:40 होता है, ठीक है। तो इट एम्स टू फॉर्मलाइज, देखो यही था इसका मेन एम था फॉर्मलाइज, अच्छा मतलब जो मैंने कहा था मेन एम नहीं है, लेकिन इसका मेन एम एम्स टू ग्रेजुअली फॉर्मलाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर फिशरीज में, जो इसके लिए तो अलग से मंत्रालय भी बना दिया अब, द स्कीम इंटेंड्स टू बेनिफिट फिशरमैन, ये मुझे पता था ये फॉर्मलाइज करने का मतलब, ये इसका बाई प्रोडक्ट तो हो ही जाएगा ना फॉर्मलाइज, फिश एक्वाकल्चर फार्मर्स फिश वर्कर्स वेंडर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, तो ये सबको लोन वगैरह देने के लिए जिसको आवश्यकता होगी जैसा, तो ये वाला सेशन यहाँ पे बंद करते हैं, बाकी 39 या 40 से आगे शुरू करेंगे हम अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सही लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।